हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सांग किस्तम गुड़ा वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी मारुति नारी की तो व्हील रिम्स है, यानी कि मैं स्टीलीज की बात कर रहा हूँ, उन्हें काफी डाग लग गया है, काफी बार रसिंग भी हो गया है और उन रिम्स में एक सीरियस रीपेंटिंग की जरूरत है। ऑफकोर्स मैं सीरियस रीपेंटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं कार से व्हील कवर्स टेम्पोरेरी भी रिमूव करता हूँ, व्हील रिम्स बहुत ही ज्यादा अगली दिखता है और इसके बाद ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है उससे। और इसलिए मैंने फाइनली ये चीज डिसाइड किया कि उन रिम्स को फाइनली ब्लैक कलर की रीपेंट करेंगे। ऑफकोर्स मैं ब्लैक कलर इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि ना आजकल के कार्स में जो रिम्स होता है वो ज्यादातर ब्लैक कलर में ही आता है। इवन मेरे रेनॉल्ट क्विड में तो ओरिजिनल ही ब्लैक कलर की स्टीलीज है, सो इसलिए मैंने सोचा है कि इन रिम्स को ब्लैक कलर ही करेंगे। और जो व्हील कैप्स है जो एल्टो 800 की, तो मैंने जो व्हील कैप्स लगाया था, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें भी शाइनिंग ब्लैक करेंगे। ऑफकोर्स वो शाइनिंग ब्लैक इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर मैं व्हील कैप्स को मैट ब्लैक कर दूंगा तो इससे जो उसकी जो फिनिश होगा वो ना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि व्हील कैप्स को बाहर से वाले शाइनिंग ब्लैक कर देंगे और अंडर की जो स्टीलीज है यानी कि जो व्हील रिम्स है उन्हें शाइनिंग ब्लैक कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें वेट करना होगा क्योंकि वहाँ पर वो तो ग्राफिक्स शॉप है, फिलहाल ग्राफिक्स शॉप आप लोगों को यहाँ पीछे दिखाई देगा, ये देख सकते हैं वहाँ पर एक स्विफ्ट डिजायर का काम चल रहा है। सो उन्हें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से फिलहाल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन जो भी हो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद उस कार का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारे कार के ऊपर मॉडिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। सो कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली उस स्विफ्ट डिजायर का काम कंप्लीट हो गया और अपने कार में काम फिलहाल शुरू हो चुका है। सो ये जो आप लोग भैया देख रहे हैं व्हाइट कलर के शर्ट में, यही एक्चुअल में इस दुकान का ओनर है और फिलहाल सब लोग मिलकर कार के जो रिम्स है उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें काफी लंबे समय से साफ नहीं किया गया था। सो इसलिए यहाँ पर काफी सारे डर्ट पार्टिकल जमा हो गया था, काफी सारे रस्टिंग स्पॉट्स भी आ गया था। सो इसलिए इन्हें प्रॉपरली क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना पेंट का बाहर में निकल जाने का चांस रहता है। और मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इन रिम्स को साफ करने के बाद पता चला है कि इनकी कंडीशन उतना खराब भी नहीं है जितनी कि मुझे पहले लग रहा था। ये डर्ट पार्टिकल्स था जिसकी वजह से ये ज्यादा पुराना लग रहा था, लेकिन इन्हें साफ करने के बाद आप व्हील्स की जो एक्चुअल कंडीशन है वो पता चलने लग रहा है। और हालांकि अगर इन्हें ब्लैक करेंगे तो इससे कार और ज्यादा कूल रहेगा, तो इसलिए मैं इन्हें ब्लैक तो करने ही वाला हूँ। और अगर यहाँ दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर दूसरी तरफ कार के व्हील कैप्स है वो ऑलरेडी पेंटेड नजर आएंगे। यू नो ये रिम्स ये व्हील कैप्स पहले यू नो सिल्वर कलर का था, ये फिलहाल शाइनी वेल मेटलिक ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया था उसका। और यहाँ पर आप लोगों को दूसरी तरफ एक और दूसरे स्विफ्ट डिजायर के व्हील कैप्स भी पेंटेड ही नजर आएंगे। और अगर कार के सामने के हिस्से की बात करें तो वाओ, आपको देख सकते कि मैंने हेडलाइट्स और ग्रिल वगैरह में जो ये नए मॉडिफिकेशन ऐड किया है जिसकी वजह से कार का फ्रंट अब पहले से काफ़ी बेटर और मॉडर्न दिखने लगा है। सो ये वो दुकान है फिलहाल जहाँ से मैं काम करवा रहा हूँ, आप लोग दुकान का नाम देख सकते हैं डीलर कांत आर्ट। तो ये एक्चुअली वही दुकान है जहाँ पर मैंने पहले भी काम करवाया था। यू नो 2020 में मैंने अपने कार के जो बम्पर से उन्हें वाइनल रैप करवाया था, इनके रेस्टोरेशन से पहले करवाया था, तो वो काम भी मैंने इन लोगों से ही करवाया था। और मैं इन लोगों से काफ़ी लंबे समय से काम करवा रहा हूँ और इनका काम की जो क्वालिटी हो रहा है वो काफ़ी बेटर है और इसलिए मैं ऐसे ज़्यादातर चीज़ें मैंने इन लोगों से ही करवाया है। और यहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को ये तो भैया है, ये लोग फिलहाल ये जो रिम्स है उन्हें ऑलरेडी पेंट करे हुए नजर आएंगे। सो फिलहाल ये भैया ये कार के सारे रिम्स को वेल रीपेंट करने वाले हैं। सो फिलहाल तो सिर्फ सार रिम्स ही रीपेंट होने वाला है, जो पीछे जो स्पेयर टायर जो होता है वो पेंट नहीं होने वाला क्योंकि उनका यू नो वो ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, स्पेयर टायर बस कुछ समय के लिए लगता है तो इसलिए उसे पेंट करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। सिर्फ सार व्हील्स ही वेल रीपेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें क्लीन किया गया और उसके बाद इन्हें रीपेंट किया जा रहा है। सो फिलहाल इस चीज़ में मेरा खर्च होने वाला है व्हाट आई वेल तकरीबन 4000 समझ लीजिए, 4000 से कम में हो जाएगा। तो ये चीज फिलहाल अगर मैं किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाता तो मेरा मिनिमम 5-6000 का खर्च हो ही जाता या फिर उससे ज़्यादा का भी खर्च हो सकता है। यू नो ऑथराइज सर्विस सेंटर में हर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि वेल हर चीज़ें ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराना जरूरी नहीं है। यू नो ये बॉडी से रिलेटेड काम नहीं है या फिर इंजन से रिलेटेड काम भी नहीं है, व्हील से रिलेटेड काम है, इसलिए सब काम ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराना जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोग इस तरह से लोकल शॉप से भी करवा सकते हैं, बस जरूरी सी भी यही चीज़ होता है आप जिन लोगों से काम करवा रहे हैं उनका इन सब चीज़ों पर ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आप अगर आप किसी ऐसे लोगों से काम करवाएंगे जिनका वेल ऐसे चीज़ों पर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि पेंट या फिर इस तरह से काम की क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि रिम्स ऑलरेडी पेंट हो चुका है, ये तो फिलहाल रिम्स ये पूरी तरह से पेंट नहीं हुआ है, अभी एक और पेंट कोट करना बाकी है, बट स्टिल कार की दिखिए वो आप भी देख सकते हैं। वाओ मैन, पहले से कार आप पहला काफ़ी बेटर लग रही है। फिलहाल तो इनमें व्हील कैप्स मतलब फिर भी नहीं हुआ है कि फिलहाल बस स्टीली सी है जिसकी वजह से ही कार कूल दिखती है। अगर इसके ऊपर व्हील कैप्स भी फिट कर दिया जाएगा तो उसके बाद तो कार वाकई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखने वाला है, ये चीज़ मैं एकदम यकीनन कह सकता हूँ। सो द फाइनल जो कार की जो लुक है यानी कि व्हील कैप्स वगैरह को फुल्ली फिट करने के बाद कार का जो लुक आने वाला है वो चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कार में ये जो कुछ भी मैंने नए मॉडिफिकेशन ऐड किया था हेडलाइट्स वगैरह में,
इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डेफिनेटली करूँगा। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा, डेफिनेटली करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो कुछ भी व्हील्स का काम है, इनका काम भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब काम कंप्लीट हो जाने के बाद मैं बाकी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्म होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको कार के बाकी के चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको आज का ये वीडियो से पसंद आया, डिड नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।